हेलो एवरीवन, मैं हूँ तरुणा और मैं लाती हूँ आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। रूटवर्ड्स की सीरीज में आज के वीडियो में जिस रूटवर्ड के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है LOGY, लॉजी। और ये ग्रीक ओरिजिन का रूटवर्ड है। ये ग्रीक वर्ड लोगोस से आया हुआ है और जब ये अन्य रूट वर्ड से अटैच किया जाता है तो नाउन फॉर्म क्रिएट करता है जिसका मीनिंग होता है द फील्ड ऑफ स्टडी या लिस्ट ऑफ डिसिप्लिन। सो रिमेंबर, अगर अब आपको किसी भी वर्ड के पीछे लॉजी दिखाई दे रहा है तो वो वर्ड कहीं ना कहीं अध्ययन यानी स्टडी से जुड़ा हुआ है। अब हम कुछ ऐसे वर्ड्स देखते हैं जहाँ पर लॉजी रूट वर्ड का यूज़ किया गया है और लॉजी रूट वर्ड का यूज़ एज अ सफिक्स किया जाता है। फर्स्ट वर्ड है एस्ट्रोलॉजी। यहाँ पर एस्ट्रो, इसका मीनिंग होता है स्टार और लॉजी अध्ययन स्टडी। सो द स्टडी ऑफ स्टार्स और द स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार्स ऑन द इवेंट्स इज नोन एज एस्ट्रोलॉजी, जिसे हम ज्योतिष शास्त्र भी बोलते हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजी। ये वर्ड तो आपने काफ़ी सुना है। बायोलॉजी में बायो, इसका मीनिंग होता है लाइफ, एंड लॉजी अगेन मीन्स स्टडी, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, जीव विज्ञान। नेक्स्ट वर्ड जहाँ पर आपको लॉजी वर्ड मिलता है वो है जियोलॉजी। अब जियोलॉजी, यहाँ पर जियो GEO ये रूट वर्ड है और इसका मीनिंग होता है अर्थ। लॉजी स्टडी, द स्टडी ऑफ अर्थ, भूविज्ञान, जहाँ पर हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी की संरचना कैसे हुई, रॉक्स की स्टडी की जाती है, उसे बोलते हैं जियोलॉजी। और इसी की तरह बायोलॉजी का एक और ब्रांच होता है जूलॉजी। जूलॉजी जू एनिमल से रिलेटेड है। सो द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज जूलॉजी, जीव विज्ञान जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। एंथ्रोपोलॉजी, यहाँ पर एंथ्रोपोज, इसका मीनिंग होता है ह्यूमन या मैनकाइंड। सो द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, सोसाइटी, कल्चर्स एंड इट्स फिजिकल डेवलपमेंट इज नोन एज एंथ्रोपोलॉजी, जिसे हम हिंदी में मानव शास्त्र बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड जहाँ पर लॉजी रूट वर्ड है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो है जीनियोलॉजी। जीनियोलॉजी में जीनिया, इस वर्ड का मीनिंग होता है जनरेशन। जीनियोलॉजी का मीनिंग हुआ द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट मेंबर्स ऑफ द फैमिली और फैमिलीज, जिसे हम हिंदी में वंशावली बोलते हैं। नेक्स्ट है नेक्रोलॉजी। नेक्रोलॉजी में जो पहला रूट वर्ड है वो है नेक्रो और इसका मीनिंग होता है डेथ। रिमेंबर, मैंने आपको ये भी बताया है कि लॉजी का एक मीनिंग होता है लिस्ट ऑफ। सो हियर नेक्रोलॉजी दैट मीन्स द लिस्ट ऑफ पीपल हु डाइड इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं मृतक नामावली, उसे कहा जाता है नेक्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी में जो रूट वर्ड है वो है पेट्रो प्लस लॉजी। लॉजी दैट मीन्स अध्ययन स्टडी और पेट्रो रॉक, द स्टडी ऑफ रॉक्स इज नोन एज पेट्रोलॉजी, शैल विज्ञान जिसे हिंदी में आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है क्रोनोलॉजी, अ रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अक्रेंस, जिस क्रम में कोई घटना घटी उसको रिकॉर्ड करना, उसे कहा जाता है क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है थियोलॉजी। थियोलॉजी में थियो रूट वर्ड है जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पहले के वीडियो में। थियो का मीनिंग होता है गॉड या रिलीजन। सो द स्टडी ऑफ रिलीजन और गॉड इज नोन एज थियोलॉजी। ऑनकोलॉजी, ऑनकोलॉजी में ऑनको, ये एक रूट वर्ड है और लॉजी ये नेक्स्ट रूट वर्ड है। ऑनको दैट मीन्स ट्यूमर, लॉजी स्टडी, द स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर इन
द बॉडी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कर्क रोग विज्ञान। नेक्स्ट वर्ड है एंटोमोलॉजी। यहाँ पर एंटोमोन, इसका मीनिंग होता है इंसेक्ट। एंटोमोलॉजी दैट मीन्स द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीट विज्ञान जिसे आप हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड जहाँ पर लॉजी रूट वर्ड का यूज़ किया है वो है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी वर्ड आपने काफ़ी सुना है, पर क्या आपको पता है इसमें दो रूट वर्ड है। पहला रूट वर्ड है पैथोस, जिसका मीनिंग होता है सफरिंग, और दूसरा रूट वर्ड है लॉजी, जिसका मीनिंग होता है स्टडी। सो पैथोलॉजी दैट मीन्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज, वो कहलाता है पैथोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है फिलोलॉजी। फिलोलॉजी में फिलो, इसका मीनिंग होता है लव। फिलोलॉजी दैट मीन्स द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, स्पेशली इन द हिस्ट्री एंड इट्स डेवलपमेंट, जिसे आप हिंदी में भाषा विज्ञान बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एटमोलॉजी। एटमोलॉजी में एटिमॉन, ये रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ओरिजिन ऑफ द वर्ड। सो एटमोलॉजी दैट मीन्स द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द वर्ड्स, किसी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका स्टडी कहलाता है एटिमोलॉजी। और इसी तरह से एक और वर्ड है जो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में मॉर्फो या मॉर्फ, इसका मीनिंग होता है फॉर्म या स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजी दैट मीन्स द स्टडी ऑफ द फॉर्म ऑफ द वर्ड और फ्रेजेस, शब्द के भागों का विज्ञान। अब जो दो वर्ड्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जिनमें लॉजी रूट वर्ड का यूज़ किया है, उसमें अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं। कौन से हैं वो वर्ड? साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। साइकोलॉजी में साइको रूट वर्ड है, और साइकोलॉजी दैट मीन्स द स्टडी ऑफ मेंटल लाइफ, मनोविज्ञान जिसे आप हिंदी में बोलते हैं। और सोशियोलॉजी, इसे हिंदी में बोलते हैं समाज शास्त्र। कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी दैट मीन्स द साइंस डीलिंग विद द डिजीज ऑफ हार्ट एंड इट्स ट्रीटमेंट, हृदय रोग विज्ञान, इसे कहते हैं कार्डियोलॉजी। और जो आज का लास्ट वर्ड है वो है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी द साइंस डीलिंग विद द नर्वस सिस्टम और इट्स डिसऑर्डर, तंत्रिका विज्ञान, इसे कहते हैं न्यूरोलॉजी। सो ये थे कुछ ऐसे वर्ड्स जहाँ पर हमने यूज़ किया लॉजी रूट वर्ड का एज अ सफिक्स। क्या है, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ इन्फॉर्मेटिव भी होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आऊँगी। टिल देन हैव अ नाइस डे। बाय बाय।